यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के जो पद निकाले गए थे 4,394, इसके रिगार्डिंग नई अपडेट हम आपको बताने वाले हैं और जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी निकाली गई थी, दोस्तों दो तरीके से वैकेंसी निकाली गई थी, एक आयुर्वेदिक और एक थी अलग से स्टाफ नर्स के। आयुर्वेदिक के जो वैकेंसी के पद थे दोस्तों, जिसमें पुरुष और स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, वो अलग से निकाली गई थी यहाँ पर, और उसमें जो कैंडिडेट्स के फॉर्म लगे थे 9,118 फॉर्म लगे गए थे। उसी जगह अगर इसके अलावा जो वैकेंसी अलग से निकाली गई है महिला पुरुष की, जिसमें 2,240 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसके लिए दोस्तों मात्र 171 पोस्ट यहाँ पर पुरुषों के लिए देखने को मिली और 2,069 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं के लिए देखने को मिली। अब दोस्तों इन वैकेंसियों का जो इंतज़ार है कैंडिडेट्स को, एग्ज़ाम का इंतज़ार है कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है, इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, जो 7 माह में 4,394 पदों का जो चयन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अप्रैल 2023 तक 5,438 पदों पर चयन प्रक्रिया लंबित थी, जिसमें से 4,394 पदों पर आयोग 31 अक्टूबर 2023 तक चयन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके अलावा 80% पदों पर चयन प्रक्रिया अभी तक पूरी हो चुकी है। वहीं आयोग को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के अधियाचन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है कि अब जल्दी से आपकी वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट आने वाला है और जल्दी से इसको कंप्लीट करके आप सबको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी ही यहाँ पर कराई जाएगी, क्योंकि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की दोस्तों हेल्थ सिस्टम को नीड है और जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी इसकी तैनाती की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप सबको बता रहा हूँ, बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और स्पेशल जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, सुनहरा मौका है, और मेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर उनके बोनस अंक अगर उनके पास हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी की दोस्तों सारी अपडेट अभी तक मैंने आपको दे रखी है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूज़न है वो आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आयुर्वेदिक की और ये जो अलग स्टाफ नर्स की वैकेंसी अलग से निकल गई है, इसका ही अभी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम डेट के लेटर या फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है। दोस्तों नए कैंडिडेट्स हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर नर्सिंग की सारी अपडेट पाना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।